लोक जन शक्ति पार्टी दे स्टेट प्रेजिडेंट किरणजीत सिंह गहरी ते उन्हां दे नाल ने मजदूर आगू बोहर सिंह घारू ये सारे साथियों समेत जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मजदूर हकां लई पिछले लंबे समय तो संघर्ष कर रहा है। किरणजीत सिंह गहरी अज की कहिंदे ने आजो चलदे आ उन्हां कोल प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं बोहर सिंह घारू लोक जन शक्ति पार्टी वाइस प्रेजिडेंट पंजाब भारत सरकार मैंबर एफ सी आई मानयोग साढ़े सरदार किरणजीत सिंह गहरी की अगुवाई थले जी अच्छ प्रेस हुई है कुछ गल्लां जो साढ़े पंजाब के प्रधान ने बोलतियां वो जो मैं कुछ मजदूरों के प्रति बोलूँगा जां पठे मजदूरों के काम करते हैं जां खेतियां दे विच मजदूर काम करते हैं नरेगा दे विच मजदूर काम करते हैं इन्हां मजदूरों की जिहड़ी बनदी मिहनत मिनीमम रेटां दे नाल इन्हां वड्डा घपला होया कोई भी सरकार ना तो पिछली सरकार ने ना हुण मौके की कांग्रेस सरकार ने तुसीं देखिया ही है झोने की लवाई में लैके किन्नी मजदूरों की कुटमार हुई पूरे पंजाब के पिंडां दे विच कुटमार हुई गोलियां चलियां गोलियां के बुक भर भर खाए गए किसी भी व्यक्ति ते जी उन्हां लोकां ते किसी ते परचा नज़र नहीं आया गा इस करके भी ये जिहड़ा मैनूं लगता सरकार का जिहड़ा तानाशाही राज है बहुत ज़्यादा गरीबों की कुटमार हो रही है किसी भी गरीब की किसी थाने दे विच किसी मजदूर दे भी पांदी पठे का मसला है नरेगा का मसला है जां किसी खेती मजदूर का मसला किसी भी मजदूर की गल नहीं छाली जाती कि पुलिस उहदी मदद नहीं करती इस करके भी कांग्रेस का अकाली पार्टी का भी वड्डा जिहड़ा तानाशाही राज आ साडे दलित लोगों के चल रहा इस करके भी मैं इस गल की भी बहुत निंदा करदा ये सरकार की। मैं किरणजीत सिंह गहरी प्रधान लोक जन शक्ति पार्टी पंजाब प्रदेश लोक जन शक्ति पार्टी वालों सारे जिला पद्धर से लोक जन शक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए असी जिलावार मीटिंग कर रहे हैं तो वो सिलसिले वजो अज असी बोहर सिंह घारू जो साढ़े वाइस प्रधान है पंजाब लोक जन शक्ति पार्टी के और एफ सी आई के मैंबर ने राम बिलास पासवान जी वालों उन्होंने अगुवाई असी मीटिंग की है तो असी ये महसूस करते हैं कि पंजाब दे विच कांग्रेस आम आदमी पार्टी अकाली दल ये तीनों ही पार्टियां दा दलतों के खिलाफ मजदूरों के खिलाफ एक अंदरूनी गठजोड़ है जिस तो स्पष्ट जाहिर होंदा है कि पिछले दिनी दिहाड़ी नूं लैके झोने की लवाई नूं लैके पिंडां दे विच मते पाए गए मजदूरों के खिलाफ गुरद्वारा साहब दे विच अनाउंसमेंटां कीतियां गईयां तां उन्हां मतियां दे विरोध दे विच कांग्रेस अकाली दल जां आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता अपना मूँह खोलना उन्हें जरूरी नहीं समझा ईवन कि मैं तो इतों ही कहूँगा कि गुरद्वारा साहब के अनाउंसमेंट करने वाले जोड़े लोग से मजदूरों के खिलाफ अनाउंसमेंट कर रहे हैं गरीबों के खिलाफ अनाउंसमेंट कर रहे हैं उन्होंने अकाल साहब तख्त साहब के जथेदार अकाल तख्त साहब से बुला के उन्होंने सज़ा लानी चाहिए सी। मैं पहला भी ये गल कही सी पर अजिहा नहीं होया तो इस करके जिहड़ियां मैं समझदा कांग्रेस हो अकाली दल हो आम आदमी पार्टी सारा इको सिक्के दे दो पहलू ने और ये शरमाएदार पार्टियां हैं तो मैं समझदा कि पंजाब दे विच 40% दलतों की आबादी है तो पिछले लोगों की आबादी है जदों तक पंजाब का मुख्यमंत्री किसी दलित वर्ग के नहीं बनाया जाता दलतों नाल मजदूरों नाल घट गिणती लोगों नाल इंसाफ नहीं किया जा सकता तो लोक जन शक्ति पार्टी के कौमी प्रधान चिराग पासवान जी ये मिशन नूं लैके चले ने धर्म ना जात करे सब की बात असी सारे लोगों नूं बराबर लैके चल रहे और लोक जन शक्ति पार्टी की मैंबरशिप बड़ी तेजी नाल वध रही है और लोक जन शक्ति पार्टी पंजाब दे विच आउण वालियां विधानसभा दे विच बनण वाली सरकार दे विच हिस्सेदारी नहीं होगी बल्कि लोक जन शक्ति पार्टी की मर्जी तो बिना सरकार नहीं बननी क्योंकि इन्हां दे जिहड़ा नपाक गठजोड़ हैगा मजदूरों के खिलाफ दलतों के खिलाफ गरीबों के खिलाफ इन्हां तीनों पार्टियां का गठजोड़ असी लोगों के सामने लिआउण जा रहे हैं और नंगा करन जा रहे हैं और पिछले दिन असी देख ही रहे हैं भई आटा दाल स्कीम नूं लैके राम बिलास पासवान जी फूड मंत्री भारत सरकार ने कणक जिहड़ी है हज़ारां टन कणक पंजाब भेजी पर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने उस कणक नूं वंडिया नहीं उस अनाज नूं वंडिया नहीं और वड्डा घपला इहदे विच होया और लोक जन शक्ति पार्टी ने पूरे जोश नाल भावें लॉकडाउन सी करफ्यू सी पिंड पिंड जाके असी लोगों ये मुश्किलां सुनियां तो हर जिले पद्धर से 14,000 तो लैके 25,000 तक जिहड़े राशन कार्ड लोगों के गरीबों के कट दिए गए और बेजमीने लोगों के कट दिए गए और लोक जन शक्ति पार्टी ये महसूस करती है कि गरीबों नूं कोई भी सहूलत देने वास्ते आमदन हद रखी जाती है पर दूजे पास असीं जे गल कर लीए कि जे 5 किलियां वाले नूं माफ़ी की गल करते हैं तो 2.5 लाख आमदन बनती है भी 2.5 लाख रुपये दी उन्हां नूं छोट हैगी हर सहूलत लैण लई ते जिहड़े बेजमीने लोग है जां अनुसूचित जाति दे लोग है उन्हां वास्ते 1 लाख रुपये की आमदन हद है तो इत्थे भी वितकरा है इस वितकरे के खिलाफ भी ना कांग्रेस बोलती है ना अकाली दल ना कोई भी पार्टी इस पर बोलती नहीं है
और लोक जन शक्ति पार्टी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री की 5 लाख सेहत बीमा योजना का जो कार्ड है वह हर बे जमीने व्यक्ति का बनना चाहिए और राशन का जो कपला होया है वो पद्धर से जांच रामविलास पासवान जी कर रहे हैं। किरणजीत सिंह गहरी ते बोर्ड सिंह घारू ने दलित मसलों बारे किवें विस्थार नाल दस्या। वो कहिंदे वे किसी भी सरकार ने 73 साल हो गए साडा देश आजाद होए नूं दलितां नाल इंसाफ नहीं किया। COVID-19 दौरान जदों सारयां दे कारोबार ठप हो गए सी सब तो ज़्यादा धक्का दलित वर्ग नूं लग्गा, पर दलित वर्ग के विरुद्ध गुरद्वारे जां होर धार्मिक स्थानां दे स्पीकरां तों अनाउंसमेंट कराई गई, उन्हां नाल धक्केशाही हुई, वितकरेबाजी हुई। उस वेले अकाली भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी जां कोई भी अपने आप नूं दलित हितां दे दारोमदार कहण वाले चुप क्यों बैठे रहे? इन्होंने इस ते मसला उठाया, हुण देखना होगा कि उन्हां दा कोई प्रतिक्रम आउंदा कि नहीं। कोटपुरा तों गुरिंदर सिंह। जदों समस्या दा है हल फिर क्यों हो परेशान? जिवें मन चाया प्यार, पति पत्नी च अणबण, काले जादू का खात्मा, वशीकरण, लाटरी नंबर पाओ, प्यार विच धोखा खादे हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, संपर्क करो विश्वनाथ तांत्रे। तुसी संपर्क कर सकते हो 90244-70842। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा है सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले है 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोडे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैं तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे थानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।